बच्चों कल हमने क्या पढ़ा कि भाई ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे। उनका क्या मानना था कि अगर हर चीज लिखित में होगी तो अच्छा रहेगा, कि भाई मतलब फिर लिखित में चीज होगी तो उसको स्टडी किया जाएगा, उस पर डिबेट मतलब आप उस पर बहस कर सकते हो, कोई लिखी हुई चीज हो तो आसान रहता है। ठीक है, लिखी हुई चीज का फायदा क्या होता है, मतलब आपके पास पॉइंट्स होती हैं डिस्कस करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स कुछ ऐसा ही सोचते थे, इसलिए वो हर चीज का रिटर्न रिकॉर्ड रखना पसंद करते थे। हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 5 आपकी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में, चैप्टर आपका है हाउ व्हेन एंड वेयर, 5 पेज नंबर पे पढ़ रही हूँ मैं। तो उन्होंने मतलब वो इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे, तो उसके लिए बाकायदा वो लोग है ना मतलब सारे एकदम केयरफुली प्रिजर्व करते थे। तो उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड रूम्स बनवाए थे, मतलब एक ऐसे पर्टिकुलर रूम्स बनवाए थे जिनमें सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए जाते थे। और मतलब जितने भी जैसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि भाई कोई ऑफिस वगैरह है, तो उस ऑफिस में ये लोग क्या करते थे, उस ऑफिस में ये लोग मेंटेन करते थे वो रिकॉर्ड रूम मेंटेन करते थे। ठीक है, रिकॉर्ड रूम मेंटेन करते थे। अच्छा, आपका स्टैंडर्ड है 8 स्टैंडर्ड चैप्टर 1 हिस्ट्री 30। ठीक है, बराबर है ना? बराबर बराबर। ठीक है, तो मतलब रिकॉर्ड रूम मेंटेन करते थे जो कि साथ में मतलब ऑफिस के साथ में अटैच होते थे रिकॉर्ड रूम, और वो रिकॉर्ड रूम में सारे इकट्ठे करे जाते थे और जब भी जरूरत पड़ती थी वो निकाल के देख लिया जाता था। ठीक है, तो विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्टोरेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविजनल सेक्रेटरीट्स, द लॉ कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड, मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन थे सबके पास रिकॉर्ड रूम हुआ करते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स, अच्छा आर्चीव्स क्या होता है, जहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड को रखा जाए वो आर्चीव होता है। ठीक है, एंड म्यूजियम्स वर ऑल टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो वेयर वर द वाई वर द रिकॉर्ड रूम सेट, ब्रिटिशर्स सेट अप रिकॉर्ड रूम्स, ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड रूम्स क्यों बनाए थे। और दूसरा क्वेश्चन, वेयर डिड दे क्वेश्चन क्या है, वाई डिड ब्रिटिशर्स सेट अप रिकॉर्ड रूम्स, ब्रिटिशर्स हैं वो रिकॉर्ड रूम्स क्यों बनाते थे, वेयर द रिकॉर्ड रूम्स वर मेड, और ये रिकॉर्ड रूम्स कहाँ बनाए जाते थे। ठीक है, क्यों बनाते थे और कहाँ बनाए जाते थे। तो क्यों बनाते थे, तो उनको लगता था कि सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हें हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उन्हें हमें संभाल के रखना चाहिए, तो इसलिए वो बनाते थे। और कहाँ बनाते थे, द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्टोरेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविजनल सेक्रेटरीट, द लॉ कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे थर्ड पैराग्राफ में है। इसका आंसर कहाँ है, आंसर पेज 5 थर्ड पैराग्राफ में कहाँ है ये आपको लिखना है। आप ऐसे नहीं लिखना, आपको पूरा आंसर लिखना है। थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन से लिखो, द ब्रिटिश ऑल्सो काट दो, द ब्रिटिश फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व, सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस, द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्टोरेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविजनल सेक्रेटरीट्स, लॉ कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स तक होगा। ठीक है आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके बाद देखें, लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द आर्चीव्स। ठीक है,
जो लेटर्स मेमोज वगैरह होते थे, मेमो क्या होता था, मेमो मैंने आपको बताया था एक नोट होता था जो ऑफिसेज होती थी, एक नोट के रूप में, मतलब एक नोट जैसा होता था या कुछ किसी को ऑर्डर जैसा देना होता था, तो मतलब मेमो, ठीक है, एक नोट जैसा। मैंने कल भी बताया था कि आपके मतलब कभी अगर कोई रूल तोड़ता है तो मेमो फटता है, ठीक है, एक नोट होता है। तो लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द नाइन कैन स्टिल बी रेड इन द आर्चीव्स। आज भी अगर आप आर्चीव्स जाओ, आर्चीव्स मतलब वो जगह जहाँ पे आपको सारे रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, अगर आप आज भी जाओ तो आपको लेटर मेमो दिखेंगे। यू कैन स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर्ड एंड डायरेक्टिव दैट वर सेंट एट द टॉप ऑफ प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप आज भी आर्चीव्स में जाओ, आर्चीव्स का मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी जैसा होता है, मतलब ये ऐसी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मतलब ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ पे ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन किए जाते हैं, मतलब जो भी पिछले जमाने के जो भी पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं उन्हें मेंटेन किया जाता है। आप आज भी जाओ, आपको ये उस जमाने के नोट्स, ये मेमोस दिखेंगे, ठीक है। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटिफुली रिटर्न बाय कैलीग्राफिस्ट दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल राइटिंग। बाय द एंड ऑफ विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग These records were printed as proceedings of each government department. और ये जब लिखते थे तो जैसी तैसी राइटिंग में नहीं लिखते थे, वो जब 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब कॉपी किए जाते थे और कैलीग्राफिस्ट अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखते थे उसे। कैलीग्राफिस्ट, कैलीग्राफी क्या होती है, कैलीग्राफी एकदम डेकोरेटिव हैंड राइटिंग होती है, कितना मतलब ऐसे स्टाइल से लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। तो जो कैलीग्राफिस्ट थे ना उनसे लिखवाते थे ये सारे रिपोर्ट्स, अच्छी राइटिंग में लिखवाते थे, मतलब देखो मेंटेन भी करते थे और अच्छे से मेंटेन करते थे, ऐसे नहीं नाम के लिए मेंटेन नहीं करते थे ऐसे, मतलब देखो ब्रिटिशर्स से काफी चीजें हमें अपनाने जैसी भी हैं, मतलब एक आपको एक चीज मेंटेन करना, उसको अच्छे से मेंटेन करना, उन्होंने रिकॉर्ड रूम बनाए और अच्छी राइटिंग में लिखवाते थे, कैलीग्राफर से लिखवाते थे, मतलब इसका मतलब क्या है, वो डिसिप्लिन्ड लोग थे, मतलब एक डिसिप्लिन फॉलो करते थे, ठीक है। तो इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी दिस डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटिफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल राइटिंग। By the middle of 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. फिर तो जैसे फिर जब प्रिंटिंग आई, जब जैसे जैसे प्रिंट कल्चर आया, प्रिंटिंग आगे आई, प्रिंटिंग वाली टेक्निक्स आई, तो फिर प्रिंट होने लगे। पहले कैलीग्राफी से कराते थे, कैलीग्राफी के हिसाब से लिखाते थे, फिर प्रिंट कराते थे, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा इस पेज नंबर 5 पे देखो नीचे बना हुआ है नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया केम अप इन 1920s। मैंने आपको बताया ना आर्चीव क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग देखो आर्चीव की है नीचे, मतलब यहाँ इन्होंने मेंटेन किए हुए हैं सारे जो भी पुराने जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे, ठीक है। इसके बाद पीछे आ जाए 6 पेज पे, देखो अभी ब्रिटिशर्स की एक और खासियत थी, ब्रिटिशर्स की पहली खासियत क्या थी, उनकी पहली खासियत थी कि चीजों को प्रिजर्व करने का, वेल मेंटेन करने का, उनको ढंग से रखने का। तो इसी वजह से जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको पता लगा कि भाई जैसे वो नोट और मेमो फटते थे, भाई कुछ नया रूल पास होता था तो हमारे हिस्टोरियंस ने वो सब पढ़ा होगा तो उनको पता लगा होगा कि ब्रिटिशर्स के टाइम ये रूल चले थे, ठीक है। तो अब जैसे पेज नंबर 6 पे आ जाए, सर्वेस बिकम इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सर्वे जरूरी बन गए। अब सर्वे क्यों जरूरी बन गए, अब ब्रिटिशर्स बहुत इंटेलिजेंट थे, वो क्या मानते थे, अगर हमें किसी देश को मतलब अगर आपको कहीं एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन करना था उन्हें, अगर हमें इंडिया में अपना एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अगर हमें इंडिया में अपना राज चलाना है तो पहले हमें इंडिया को समझना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे मतलब पूरा उस चीज के पूरा आपको पूरा फाइंड करना कि उस चीज में है क्या, जैसे इंडिया है तो गांव गांव जाते थे, वो देखते थे रहन सहन, उठना बैठना, कि पावरफुल कौन है और कमजोर कौन है, सब कुछ A to Z से आप सब चीजें स्टडी करते थे, उसे सर्वे कहते हैं, ठीक है। सर्वे करना मतलब आप घर पता करना कि भाई क्या पोजीशन है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्विस वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। 19th सेंचुरी में सर्वे किए गए और सारी कंट्री को देखने के लिए सर्वे किए गए, मतलब सर्वे सारी कंट्री में कराए गए।
villages, revenue surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, flora fauna, the local histories and cropping pattern. All the facts seen as necessary to know about to administer the region. ठीक है, villages में भी survey कराए गए. ठीक है, तो इन surveys में क्या पाया, villages में survey कराए गए. ये सारे सर्वे क्यों हो रहे थे? रिवेन्यू सर्वेस का मतलब पैसे से लेन देन वाले सर्वे होंगे कि भाई किसके पास कितना रिवेन्यू जनरेट होता है विलेज में, कैसे आता है, कैसे उसे यूज करते हैं. रिवेन्यू मतलब पैसे का वहीवट. ठीक है, तो एफर्ट, ये सब सर्वे कराने का मतलब क्या था? मतलब ब्रिटिशर्स इतना क्यों कर रहे थे, इतने डिटेल्ड सर्वेस क्यों कर रहे थे? मतलब सारी कंट्री में, कंट्री को समझने के लिए इतने सारे सर्वे क्यों किए जा रहे थे? क्या समझना चाह रहे थे? द एफर्ट वॉज टू नो, क्यों, क्या समझना चाह रहे थे? द टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब भाई टोपोग्राफी भाई माउंटेन्स कितने हैं, प्लेट्यूज कितने हैं, प्लेन्स, मतलब सब कुछ वो सब समझना चाह रहे थे इंडिया के बारे में. द सॉइल क्वालिटी, हमारी क्वालिटी की सॉइल क्या है, फ्लोरा फौना. ठीक है, फ्लोरा फौना मतलब प्लांट्स एनिमल्स, द लोकल हिस्ट्रीज, और भाई इंडिया का पास्ट क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है वो. क्रॉपिंग पैटर्न, भाई किस तरह से क्रॉप उगाते हैं यहाँ के फार्मर्स. ऑल द फैक्ट सीन इज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्ट्रेट द रीजन. ये सोचते थे कि ये सब चीजें हमको आसानी रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन करने में, राज करने में. मतलब देखो उस टाइम फार्मिंग मेन प्रोफेशन था, मतलब जो फार्मिंग ही करते थे हमारे, मोस्टली जो हमारे इंडियंस थे मोस्टली फार्मिंग में ही थे, सारे मेन ऑक्यूपेशन था. तो वो समझना चाह रहे थे भाई मिट्टी की पैटर्न क्या है, हाइट क्या, इसीलिए वो सॉइल. ठीक है, ये सब तो फार्मिंग से ही जुड़ी हुई चीजें हैं. आपने अभी साइंस में अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें भाई फार्मिंग से मिट्टी वगैरह आपने पढ़ी थी. तो मतलब ये सारी फार्मिंग से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो वो देखना. और फार्मिंग से बहुत सारा रिवेन्यू जनरेट होता था, मतलब फार्मिंग से बहुत पैसा आता था. तो वो देखना चाहते थे कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज है, या क्या इनके पास भाई कितना रिवेन्यू है, क्या है, मतलब हर चीज जानना चाहते थे ब्रिटिशर्स. ठीक है, तो क्वेश्चन लिखें. व्हाई द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग बिकम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. आंसर, देखो बाय द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो प्रैक्टिस थी सर्वे करने की, क्यों बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स इतनी ज्यादा ये प्रैक्टिस क्यों फॉलो करते, इतना ज्यादा सर्वेस क्यों कराते थे? तो आंसर, द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड. इसका आंसर पेज नंबर सिक्स सेकेंड लाइन पेज नंबर सिक्स पे ऊपर से सेकेंड लाइन. आंसर पेज नंबर सिक्स पे सेकेंड लाइन. आपको लिखना है पूरा आंसर लिखना है, ऐसे पैराग्राफ और पेज नंबर नहीं डालना. मैं सारा कराने मतलब इतना लिखने भी बैठूंगी बोर्ड पे तो हमारा तो लेक्चर ऐसे ही निकल जाएगा. ठीक है, आपको लिखना है, मुझे लिख के भेजना है आपको. अच्छा, पेज नंबर सिक्स पे सेकेंड लाइन, द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड. हाँ, एक कंट्री की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए उसको पहले अच्छे से जानना पड़ता है, और जानने के लिए सर्वे करना पड़ता है. ठीक है, सर्वे मतलब पूरा डेटा निकालना, पूरा इन्फॉर्मेशन निकालना. ठीक है, आपके घर भी सर्वे करने आते होंगे, अभी तो क्या नहीं, थोड़ा टाइम पहले भाई आपके घर में मेंबर्स कितने हैं, आपके घर में व्हीकल्स कितने हैं, टू व्हीलर कितने हैं, फोर व्हीलर कितने हैं, भाई दसवीं तक कितने पढ़े हुए हैं, बारहवीं तक, ऐसे सर्वे करने आते हैं आपके घरों में. ठीक है, तो वो सर्वेइंग क्यों होती है, ताकि पता लगता रहे कि भाई देश में क्या हो रहा है. ठीक है, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्विस वर बीइंग आउट टू मैप द एंटायर इन द विलेजेस, रिवेन्यू सर्विस वर कंडक्टेड, एफर्ट वाज टू नो.
ठीक है, हाउ द सर्विस वर कंडक्टेड, ठीक है, व्हाट वर द टाइप ऑफ सर्विस कंडक्टेड, क्वेश्चन व्हाट वर द टाइप ऑफ सर्विस कंडक्टेड, तो ये सर्वे किस तरह से कंडक्ट किए जाते थे, तो आंसर है व्हाट वाज द टाइप ऑफ सर्विस कंडक्टेड, किस तरह से सर्वे कंडक्ट किए जाते थे, तो आंसर पेज नंबर 6 पे सबसे पहले लिखेंगे रिवेन्यू सर्विस, ठीक है, रिवेन्यू सर्विस कौन कौन से सर्वे किए जाते थे, रिवेन्यू सर्विस, इसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है पेज नंबर 6 पे लिखा हुआ है ये सर्विस बिकम इम्पोर्टेंट, उसकी थर्ड लास्ट लाइन बॉटेनिकल सर्विस, बॉटेनिकल सर्विस मतलब रिलेटेड टू प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स इज अ जूलॉजिकल, जूलॉजिकल सर्विस मतलब रिलेटेड टू एनिमल्स, आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, पुरानी चीजों के सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब पास्ट को, पास्ट का कल्चर क्या था वो समझना, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्विस मतलब पास्ट को समझना, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्विस मतलब पास्ट को समझने की सर्विस, और फॉरेस्ट सर्विस थे, ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, तो कौन कौन से सर्विस किए जाते थे, रिवेन्यू सर्विस, बॉटेनिकल सर्विस, जूलॉजिकल सर्विस, आर्कियोलॉजिकल सर्विस, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, तो ये सारे सर्विस कंडक्ट किए जाते थे, ठीक है, तो इस तरह से ये लोग सर्वे को इम्पोर्टेंट क्यों मानते थे, ये सर्वे को इम्पोर्टेंट इसलिए मानते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि किसी भी देश को अगर एडमिनिस्टर करना है, किसी भी देश को चलाना है, तो उसको पहले हमें समझना जरूरी है, और किस किस तरह के सर्वे कराते थे, तो ये सारे रिवेन्यू, एंथ्रोपोलॉजिकल मैंने आपको बताया ना, एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब होता है पास्ट कल्चर को समझना, उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, तो इसके बाद देखें, अच्छा ये सब आपने देखा कि जो रिकॉर्ड्स होते थे, हमें रिकॉर्ड से ये सब पता लगता है, रिकॉर्ड्स भाई कहाँ प्रिजर्व किए जाते थे, सारी ऑफिस के बाजू में एक रिकॉर्ड रूम बनाया जाता था, जितनी भी इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है सबके बाजू में रिकॉर्ड रूम्स बनाए जाते थे, वहां सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, और हमारे हिस्टोरियंस उनको पढ़ के ही अंदाजा लगाते हैं कि भाई क्या क्या रहा होगा, ठीक है, तो आपने देखा कि ब्रिटिशर्स की वजह से जो ब्रिटिशर्स की आदत थी सर्वे करने की, सर्वे ठीक है रिकॉर्ड मेंटेन करने की, उसकी वजह से हमें हमारे पास्ट के बारे में बहुत थोड़ा बहुत पता लगता है, पर अब ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मतलब जो मतलब ऑफिसर्स लिख के वो रूम में प्रिजर्व करते थे, उन रिकॉर्ड से कुछ पता नहीं भी लगता, देखिए कहते हैं ना कि सारी चीज नहीं पता लगती है भाई, जो आपको देखने मिलता है जरूरी नहीं है हमेशा हर कुछ वैसा हो, ठीक है, आप कहीं के बारे में आप कुछ किसी से पूछते हैं भाई ये जगह कैसी है, तो वो आपको ऐसे 10 बातें बताएगा ऐसा वैसा वैसा वैसा, पर जब तक मतलब काफी चीजें होती हैं ऐसे आप जाते हो तो आपको लगता है इसने ये तो नहीं बताया था, ये तो नहीं बताया था, तो वैसे ही कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, ये जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं ब्रिटिशर्स ने रूम बनाए थे उनमें से जब रिकॉर्ड्स हम पढ़ते हैं तो जो पता लगता है, पर काफी चीजें हैं जो ब्रिटिशर्स लिख के नहीं गए और वो होती थी, क्या थी वो चीजें, नेक्स्ट वही है पेज नंबर 6 पे, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, ठीक है,
फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स, कॉर्पस का मतलब कलेक्शन, ठीक है, वो इतना सारा जो लिखित कलेक्शन, इतना सारा जो कलेक्शन वो कलेक्ट करते थे रिकॉर्ड्स, वी कैन गेट टू नो अ लॉट बट वी मस्ट रिमेम्बर दैट दीस आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, दे टेल अस व्हाट द डेटा थॉट, मतलब ये सब ऑफिसर्स के लिखे द्वारा रिकॉर्ड है, तो हमें जो ऑफिसर्स की सोच थी हमें वही दिखेगी उसमें, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, वो आपको उन सर्वेस में यही दिखेगा, उन रिकॉर्ड्स में यही दिखेगा जिनमें ब्रिटिशर्स को इंटरेस्ट था, और उनको क्या संभाल के रखना है, वो कोई क्या संभाल के रखेगा जो जिसको इम्पोर्टेंट लगेगा। अगर आप मेरे से पूछो कि मैं किस चीज को प्रिजर्व करना चाहूंगी, तो मैं कहूंगी मैं सिक्स की बुक्स प्रिजर्व करूंगी, सेवन की बुक्स प्रिजर्व करूंगी, एट की, नाइन्थ की, टेंथ की, ठीक है, तो मैं इन सारे स्टैंडर्ड्स की बुक प्रिजर्व करना चाहूंगी, ठीक है, अब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और शायद किसी जिसको मतलब जिसको इन सिक्स से टेंथ की पढ़ाई करनी है वो शायद मेरे पास आए तो उसको वो चीजें मतलब मेरे से अगर वो देखने आए तो उसको मेरे पास ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, पर अगर कोई फर्स्ट सेकंड वाला है तो उसके लिए तो मैं इम्पोर्टेंट नहीं हुई ना, ये जो मैं प्रिजर्व कर रही हूँ, ये जो मैं बुक्स प्रिजर्व कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो सिक्स टू टेंथ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं उसी की बुक्स प्रिजर्व कर रही हूँ, मुझे नहीं है इंटरेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में, मैं नहीं करती उसका प्रिजर्व, तो अब कोई जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो पेरेंट होगा वो आएगा कि भाई बुक तो मेरे पास तो होगी नहीं, तो उसके लिए मतलब मैंने क्या रखा जो मेरा इंटरेस्ट था, तो ब्रिटिशर्स ये क्या बोलना चाह रहा है कि ब्रिटिशर्स भी वही रखते थे जो उनका इंटरेस्ट था, जिन चीजों में उनको इंटरेस्ट था वो उसी के बारे में जानकारी रखते थे, कई चीजें जिनको उनमें इंटरेस्ट नहीं था, जो मतलब इंटरेस्टेड नहीं थे वो, और वो उसकी जानकारी नहीं रखते थे, ठीक है। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी, दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट पॉपुलर दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स। देखो अभी देखो ये जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे ब्रिटिशर्स, जो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे वो उनकी सोच थी, उनको क्या मेंटेन करना था वो वही मेंटेन करते थे, पर उसके अलावा बाकी चीजें भी थी, अगर आपको बाकी जानकारी पुराने इंडिया के बारे में जाननी है, ब्रिटिश रूल के टाइम या कॉलोनियल रूल के टाइम क्या इंडिया था, तो आपको कहाँ से मिलेगी, हमको ऑफिशियल रिकॉर्ड से तो नहीं मिलेगी, हमें कहाँ से मिलेगी, डायरीज ऑफ पीपल, कई लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, जैसे कि काफी लोग होते हैं, ठीक है, वो मर जाते हैं और मतलब उनकी डायरियां फिर बाद में छपती हैं और फिर लोगों को पता चलता था, आपने शायद एन फ्रैंक का नाम सुना होगा, ANNE FRANK, एनी फ्रैंक थी, तो उन्होंने अपनी डायरीज में मतलब वो जूज थी, JEW, ठीक है, जू थी, और मतलब जब वो थी तो हिटलर का बहुत जुल्म चल रहा था उस टाइम, तो हिटलर के मतलब इतने बुरा मतलब वो बहुत ज्यादा जो उसने हिटलर क्या था, हिटलर छुपाता था सब चीजें, पर इसने क्या किया था, ये एक 13 साल की लड़की थी, इसने इनके साथ जो हुआ मतलब जो उनके साथ जुल्म हुए उसकी फैमिली के साथ, उसके साथ उसकी पूरी कम्युनिटी के साथ, उसने एक एक चीज अपने बुक में लिख के गई है और ये पूरी एक डायरी बना के गई है, ठीक है, और इवन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स में ये डायरी पढ़ी भी जाती है, आपके मतलब सिलेबस में होती भी है, टेंथ में होती है, नाइन्थ में एक चैप्टर है, टेंथ में होती है, मतलब इसकी डायरियां पढ़ी जाती है, इसमें क्या पढ़ा जाता है कि उस टाइम भाई हिटलर का कितना ज्यादा वो था, आतंक था, और हिटलर जूस को ज्यादा कितना सारा सहन करना पड़ा था, मतलब आपको अगर आपको जानकारी चाहिए भाई पास्ट के बारे में तो आप खाली ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में निर्भर ना रहो, पर्सनल डायरीज भी जो लोगों की थी वो हेल्प करती हैं जानकारी के लिए, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, मतलब पिलग्रिम्स का मतलब वो क्या बोलते हैं, पिलग्रिम का मतलब क्या होता है, वो नहीं होता है पिलग्रिम पूजा वगैरह करने जाते हैं मंदिर और वो धाम, तीर्थ धाम, पिलग्रिम मतलब तीर्थ धाम होते हैं ना भाई, जैसे भाई हमारा कहते हैं ना काशी हरिद्वार ये सब होता है, ठीक है, तो वहां पे जो लोग जाते थे और उनका यात्रा धाम बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो पिलग्रिम्स में भाई वहाँ कितने यात्री जाते थे
और भाई चारों धाम की यात्रा करते थे, या पिलग्रिम और भी थे भाई, मुस्लिम्स के भी थे, ठीक है, दरगाह होती है ऐसा, तो मतलब पूजनीय स्थान पिलग्रिम का मतलब। तो अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, मैंने आपको अभी अभी ऑटोबायोग्राफी की बात की, मैंने एनी फ्रैंक की बात की, तो ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ सकते हो, जैसे गांधी जी ने भी जेल में अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो उन्होंने भाई बताया था क्या हो रहा है कि भाई किस तरह से हो रहा है, ठीक है, तो वो सब मतलब उस टाइम जो जो हो रहा होता है वो सारा लिखते हैं, ठीक है। गांधी जी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तो काफी उससे हेल्प मिलती है जानने के लिए कि उस टाइम क्या क्या होता था, ठीक है। तो एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन लोकल बाजार्स, और उस टाइम जब बुक्स बिकती थी बाजारों में, तो शायद आज तक वो बुक्स रह गई हूँ या कुछ बुक्स प्रिजर्व करी हुई हो, तो वो बुक्स पढ़ के आप पता कर सकते हो कि पहले क्या होता था। एज प्रिंटेड स्प्रेड न्यूज़पेपर्स और पब्लिशन इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक, ठीक है, फिर आप न्यूज़पेपर्स भी देख सकते हो। लीडर्स एंड इन्फॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। फिर प्रिंट कल्चर आया तो प्रिंट के साथ न्यूज़पेपर्स छपने लगे, लीडर्स और रिफॉर्मर्स लिखने लगे, ठीक है, उनके पैम्पलेट्स लिखने लगे, पोएट्स पोएम्स लिखने लगे, नॉवेलिस्ट नॉवेल। तो मतलब ये जो आप सरोजनी नायडू इन सब की, मतलब ये जो पुराने पोएट्स हैं, ये जो राइटर्स हैं, जो आप पढ़ते हो तो तब का आपको पता लगता है तब क्या होता था, ठीक है। आप सोचते हो ये पोएम में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, वो है ना अपने टाइम की बात कर रहे होते हैं, कोई भी स्टोरी लिखते हैं। तो मतलब भाई ऑफिशियल रिकॉर्ड से क्या पता नहीं लगता ऑफिशियल रिकॉर्ड से। तो क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज अदर देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, व्हाट आर द सोर्सेज हिस्टोरियंस use other than official records। historians official records के अलावा कौन कौन से sources use करते थे, page number 7 पे second line, these records, second paragraph, fourth line, page number 7, second paragraph, fourth line, डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक, लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो क्या क्या कंसिडर किया जाता है, डायरीज, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज, पॉपुलर बुकलेट्स, न्यूज़पेपर्स, फिर मतलब जो लीडर्स और रिफॉर्मर्स ने जो जो लिखा, पोएट नॉवेलिस्ट ने जो जो लिखा वो सब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर page number 7 पे सेकेंड पैराग्राफ से फोर्थ लाइन से है, ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ से फोर्थ लाइन से लास्ट लाइन तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, क्वेश्चन, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, आंसर, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या नहीं बताते हैं, तो page number 7 में सेकेंड लाइन क्या नहीं बताते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स,
सेकेंड लाइन, दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस। ये रिकॉर्ड्स हम नहीं समझ पाते हैं कि भाई उस टाइम लोगों को कैसी फीलिंग थी कंट्री में और क्या क्या काम किए जाते थे वो हमें नहीं पता चलते हैं। इससे पहले एक वर्ड यूज किया गया पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी का मतलब फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वही रखते थे जो वो चाहते थे कि फ्यूचर जनरेशन देखें, ठीक है। तो इसलिए इन रिकॉर्ड से आपको लोग क्या फील करते हैं, लोगों को क्या करना है वैसा कुछ पता नहीं लगता था। पेज नंबर 7 पे सेकेंड लाइन से एक्शंस तक, दीज रिकॉर्ड्स से एक्शंस तक, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, अब फिर अभी पेज नंबर 7 पे अभी हम समझ लेते हैं, लास्ट के दो पैराग्राफ रहे। ऑल दी सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, मतलब ये जो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ऑटोबायोग्राफीज किसने लिखी होंगी, जो पढ़े लिखे होंगे वही होंगे ना। फ्रॉम दिस वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स, मतलब ट्राइबल्स मतलब वो आदिवासी वगैरह या पीजेंट्स जो गरीब फार्मर्स थे उनकी लाइफ कैसी रही होगी वो तो ना पता लगे ना, जो मतलब पढ़ लिख सकते थे उन्होंने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखी होगी। अगर आप हम पढ़े लिखे हैं, अगर हमें कोई बोल रहा है लिखो तो हम क्या लिखेंगे, हम पढ़ाई के बारे में लिखेंगे, हम अच्छी अच्छी मतलब हमको हमारे हाथ में जो है हम भाई स्कूल के बारे में, बुक्स के बारे में हम ये सब लिखेंगे, हम पढ़े लिखे हैं। अब जैसे फार्मर्स और ड्राइवर्स वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो क्या लिख सकते मतलब वो क्या सोचते थे वो तो ना पता लगा ना, क्योंकि लिटरेट जो पढ़े लिखे हैं, ये जो बुक्स कौन लिख के गए हैं, बुक्स न्यूज़पेपर सब किसने लिखे, लिटरेट ने लिखे, तो लिटरेट ने अपना व्यू बताया। पर जो पीजेंट्स फार्मर्स है जो पढ़ लिख नहीं सकते उनका व्यू, तो उनका व्यू तो आज तक पता ही नहीं चला है। तो द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर्स ऑन द स्ट्रीट्स गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क, उनकी लाइफ के बारे में जानना बहुत बड़ी डिफिकल्टी की चीज है। यर दिस कैन बी डन, पर ये किया जा सकता है इफ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, अगर हम थोड़ा एफर्ट डालें, हम थोड़ी मेहनत करें तो हमें पता लग सकता है कि उनकी लाइफ कैसी रही होगी, किसानों की और ट्राइबल्स की कैसी लाइफ रही होगी। When you read this book, you will see how this can be done. इस बुक में आपको पता लग जाएगा कि किसानों की, पीजेंट्स की, इन सब की लाइफ कैसे रही होगी, ठीक है। तो इस बुक में आप अभी इस चैप्टर में आपने क्या समझा, इस चैप्टर में आपने समझा कि डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं, फिर आपने समझा कौन सी डेट्स इम्पोर्टेंट हैं, फिर आपने देखा कि डेट के सिस्टम से भी आगे पीरियोडाइज का सिस्टम आया, फिर आपने देखा कॉलोनियल क्या होता है, क्यों हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको कॉलोनियल हिस्ट्री क्यों बोलते हैं, फिर आपने देखा कि भाई ब्रिटिशर्स हैं वो उनको प्रिजर्व करने की बहुत आदत थी, ठीक है भाई, फिर आपने देखा कि सर्वेस कराते थे, फिर आपने देखा कि इनके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो सब कुछ नहीं बोलते, और फिर लास्ट में ये चैप्टर एंड हुआ कि भाई हम आगे देखेंगे कि गरीब लोग कैसे जीते थे, ठीक है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने बोले हैं वो आपको लिखने हैं, और एक्सरसाइज में अभी मैं आपको डिस्कस करती हूँ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में पेज नंबर 8 पे ट्रू और फॉल्स है, आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हिस्ट्री में पेज नंबर 8 पे ट्रू और फॉल्स है, क्वेश्चन 1 ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट नंबर ए, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, तो जेम्स मिल ने हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन में डिवाइड किया था, तो सही है कि गलत, फॉल्स है, क्यों, क्योंकि उसने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया था, ठीक है, तो ये गलत है, ए वाला फॉल्स, क्वेश्चन 1 का ए फॉल्स। फिर बी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ कंट्री थिंक, ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ते उससे आपको ये पता लगता है कि लोग क्या सोचते थे, नहीं लोगों की सोच नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स की सोच पता लगती है, तो फॉल्स, ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है। सी, द ब्रिटिश थॉट सर्वेस वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिशर्स को क्या लगे सर्वे क्यों जरूरी है, अगर हमें अच्छे से शासन करना है, हमें अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो सर्वे जरूरी है, तो ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offer? जो जेम्स मिल ने पीरियडाइजेशन किया था इंडियन हिस्ट्री का, उसमें प्रॉब्लम क्या आई? अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन टू, ठीक है? बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 8, लेट्स डिस्कस में, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू है एक्सरसाइज का, क्या है क्वेश्चन टू? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स? मतलब जेम्स मिल ने हमारी हिस्ट्री को पीरियडाइज कैसे किया था, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है? तो कह रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम थी, तो आंसर, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश. नेक्स्ट पॉइंट, दिस पीरियडाइजेशन हैज इट्स ओन प्रॉब्लम. इस ये जो पीरियडाइजेशन किया हिंदू का मुस्लिम का ब्रिटिश का, उसमें भी प्रॉब्लम थी क्या? इट इज डिफिकल्ट टू रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम बिकॉज अ वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्टेड इन दीज पीरियड्स. कह रहा है ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि किसी भी पीरियड को हिंदू या मुस्लिम बोलो आप, क्योंकि मतलब हर पीरियड में वैरायटी ऑफ फेथ्स, जो वैरायटी फेथ मतलब बहुत सारे धर्म फॉलो किए जाते हैं. इवन रूलर्स डिड नॉट शेयर सेम फेथ. अगर बात करें तो राजा महाराजाओं के भी एक धर्म नहीं होते थे, कोई हिंदू राजा होते थे, कोई मुस्लिम, कोई पारसी, ठीक है? अलग अलग राजाओं के अलग अलग धर्म होते थे. सो इट इज नॉट जस्टिफाइड टू कैरेक्टराइज एन एज थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम. तो इसलिए इट इज नॉट जस्टिफाइड मतलब ये सही नहीं है. क्या सही नहीं है? टू कैरेक्टराइज एन एज, किसी एज के बारे में पता करना थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम, उनके धर्म के बारे में हिसाब लगा के उस टाइम का पता करना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है? तो ये आपको जेम्स मिल के 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन 2 में लिखनी है, ठीक है? अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं. व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? क्यों प्रिजर्व करते थे, व्हाई? तो मैंने ये शब्द टिक कराया था आपको आंसर्स में, पेज नंबर 5 पे मैंने आपको टिक कराया था, पेज नंबर 5 पे सेकेंड लाइन, पेज नंबर 5 में फर्स्ट पैराग्राफ में सेकेंड लाइन, सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन. द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, एवरी इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी डिसीजन एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप. वंस दिस वॉज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड. दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोस नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स. This the British also felt that all important and letters need to be carefully preserved. ठीक है, मतलब वो मानते थे कि भाई हर चीज को हमें carefully रखना चाहिए, ठीक है? Next, तो why क्यों? क्योंकि उन्होंने क्यों preserve किया था, तो reason क्या थी? क्योंकि वो चाहते थे कि भाई वो उनको लगता था कि भाई सही रहता है debate वगैरह करने में, ये चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, ठीक है, फोर्थ नंबर. हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स? मतलब अगर आप पुराने न्यूज़पेपर्स जाके देखो, आप पुराने न्यूज़पेपर्स देखो, आप अगर पुराने न्यूज़पेपर्स देखो और आप पुलिस के रिपोर्ट्स देखो, रिकॉर्ड्स देखो, तो वो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी. पुलिस जो अपने रिकॉर्ड में रखती है और जो न्यूज़पेपर में देखते हैं वो डिफरेंट होगा. रीजन क्या है? तो इन्फॉर्मेशन, आंसर क्वेश्चन 5 का आंसर, सॉरी कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 का आंसर, क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 3 का तो मैंने बोला ना टेक्स्ट में से ही है, ये शायद मैंने कराया भी था आपको.
इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स, द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स आर यूजुअली अफेक्टेड बाय द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ द रिपोर्टर्स, न्यूज एडिटर्स एक्सेट्रा. But what historians find in police reports are usually true and realistic. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन पुराने न्यूज़पेपर से मिलती थी और जो इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन से मिलती थी वो दोनों अलग होती थी. जैसे समझो कोई कोई गुनाह हुआ, कोई जुर्म, मतलब कोई क्राइम हुआ, ठीक है, कोई क्राइम हुआ तो उस क्राइम को मतलब पुलिस लिखेगी जाके रिकॉर्ड में, और वही क्राइम न्यूज़पेपर वाला दूसरे दिन लिखेगा. न्यूज़पेपर वाला कैसे लिखते हैं, मिर्च मसाला डाल के बड़ा चढ़ा के लिखते हैं, ठीक है, उनको बिकवाने होते हैं अपने न्यूज़पेपर्स. तो वही कह रहा है कि अगर कोई हिस्टोरियन को किसी क्राइम के बारे में जानकारी लेनी हो और वो न्यूज़पेपर पढ़े और वो पुलिस का रिकॉर्ड पढ़े तो वो अलग क्यों होंगे. तो आंसर है द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स आर यूजुअली अफेक्टेड बाय द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ द रिपोर्टर्स, न्यूज एडिटर्स एक्सेट्रा. जो न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन होती है किनके विचार होते हैं, वो जो जो रिपोर्टर होते हैं, मतलब जो वो रिपोर्ट करने गए होते हैं, वो मतलब नहीं रिपोर्टर्स पहुंचते हैं, कुछ क्राइम वगैरह होता है, कुछ भी होता है. और न्यूज एडिटर्स, एडिटर्स मतलब जो न्यूज़पेपर चलाते हैं, ठीक है, जैसे भाई किसी एक कम्युनिटी वाले के साथ कुछ हादसा हो गया, ठीक है, जैसे मतलब एक्स वाई जेड किसी भी कम्युनिटी के साथ कोई हादसा हुआ और अगर वो न्यूज़पेपर का मालिक उसी कम्युनिटी का है तो वो न्यूज़पेपर में कैसे खबर छापेगा कि भाई इस कम्युनिटी वाले के साथ ऐसा हो गया, दूसरी कम्युनिटी वाले ने ऐसे किया, वो वैसा एंगल देगा, ठीक है. तो पर अगर बट वॉट हिस्टोरियंस फाइंड इन पुलिस रिपोर्ट्स आर यूजुअली ट्रू एंड रियलिस्टिक. पर जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो हमेशा सच्ची होती है और रियल होती है. न्यूज़पेपर्स वाले अपने हिसाब से न्यूज को तोड़ते मरोड़ते हैं, पर जो पुलिस रिपोर्ट्स हैं वो हमेशा ट्रू और रियलिस्टिक सच्ची होती हैं, ठीक है. तो यहाँ आपका ये चैप्टर, चैप्टर वन खत्म हुआ, ठीक है, चैप्टर वन आपका पूरी तरह से खत्म हुआ. अभी हम कल इंग्लिश स्टार्ट लेंगे. आज हमने जितना भी डिस्कस किया, मैंने जितने भी टिक कराए, वो सारे आंसर्स आपको मेरे को बाकायदा लिख के भेजने हैं, एक भी आंसर काटना नहीं है आपको, अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है. चलें, थैंक यू.